इस कहानी की शुरुआत में हमें एक पुरानी फैक्ट्री को दिखाया जाता है जहां बहुत से छोटे छोटे बच्चों को पकड़कर उनसे काम करवाया जाता था। दरअसल इस फैक्ट्री का मालिक फिलिप नाम का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है जो बच्चों से अपनी फैक्ट्री में निंजा डॉल्स बनवाता है। इस फैक्ट्री का केयर टेकर बहुत ही स्ट्रिक्ट होता है जो गलती करने पर बच्चों को बहुत सख्ती से मारता था। अब एक दिन फिलिप फैक्ट्री में देखने आता है कि सब कुछ ठीक से चल रहा है या नहीं, लेकिन जब वो काम करने वाले एक छोटे बच्चे के पास जाता है तो बच्चा डर के मारे जल्दबाजी में फिलिप के स्कार्फ से ही एक निंजा डॉल बना देता है, जिससे फिलिप बहुत गुस्सा होता है और वो उस छोटे बच्चे को इतना मारता है कि उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। इसके बाद फिलिप वापस जाने लगता है, लेकिन इसी दौरान आसमान में एक जोरदार बिजली चमकती है जो सीधे फैक्ट्री में एक चेकरेट डॉल पर गिरती है, जिससे उस चेकरेट निंजा डॉल में भी जान आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ जब फिलिप अपनी कार में बैठकर वापस जा रहा होता है कि इसी दौरान फिलिप का क्रेडिट कार्ड नीचे गिर जाता है, जिसे चेकरेट डॉल उठा लेता है और वापस से उस ट्रक में आ जाता है जिसमें बाकी के डॉल को ट्रांसपोर्टेशन के लिए शिपयार्ड पर लेकर जाया जा रहा होता है। और इस प्रकार चेकरेट डॉल शिप पोर्ट पर पहुँच जाता है जहाँ पर वो शिप के कैप्टन को मिलता है। अब क्योंकि चेकरेट डॉल बाकी के नॉर्मल डॉल से बहुत अलग होता है, इसीलिए शिप का कैप्टन चेकरेट डॉल को अपने पास रख लेता है क्योंकि वो इसे अपने भतीजे एलेक्स को गिफ्ट के तौर पर देना चाहता है। अगले सीन में हम एलेक्स को देखते हैं जो एक बहुत ही शर्मिला और सीधा साधा लड़का होता है, जिसकी वजह से ग्लेन नाम का एक लड़का उसे बुली करता रहता है। एलेक्स आठवीं क्लास का स्टूडेंट होता है जिसे आठवीं क्लास में पढ़ने वाली जेसिका नाम की एक लड़की बहुत पसंद होती है, लेकिन अपने शर्मिलेपन की वजह से कभी भी जेसिका से अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाया। एलेक्स अपनी मॉम, स्टेप डैड और स्टेप ब्रदर के साथ रहता है, लेकिन उसे अपने स्टेप डैड और ब्रदर बिल्कुल भी पसंद नहीं होते, जिसकी वजह से एलेक्स की लाइफ बहुत बुरी तरीके से चल रही होती है। अब एक दिन जब एलेक्स का बर्थडे होता है तो उसे मिलने के लिए उसके अंकल भी आते हैं जो वही शिप कैप्टन होते हैं जिन्हें वो जिंदा चेकरेट डॉल मिली थी, और वो एलेक्स को डॉल गिफ्ट कर देते हैं। एलेक्स चेकरेट निंजा डॉल को पाकर बहुत खुश होता है और अगले दिन वो उसे अपने साथ स्कूल में ले जाता है जहाँ पर अपने सभी दोस्तों को उस चेकरेट निंजा डॉल को दिखाता है। अब यहाँ पर जेसिका भी आ जाती है जो क्लास के सभी बच्चों को एक पार्टी के लिए इनवाइट करती है। यहाँ पर एलेक्स भी जेसिका की पार्टी में जाना चाहता है, लेकिन वो पार्टी सिर्फ 8th क्लास के बच्चों के लिए ही होती है, इसीलिए उस पार्टी में नहीं जा सकता। लेकिन जब एलेक्स के दोस्त ये देखते हैं कि एलेक्स जेसिका की पार्टी में जाना चाहता है तो जेसिका को इस बारे में बता देते हैं, लेकिन जब जेसिका एलेक्स के पास इस बारे में बात करने के लिए आती है तो अपने शर्मिलेपन की वजह से जेसिका से कुछ भी नहीं बोल पाता, जिससे जेसिका वहाँ से जाती है। अब कुछ समय बाद यहाँ पर ग्लेन अपने दोस्तों के साथ आ जाता है जो हर बार की तरह एलेक्स को बुली करने लगता है, लेकिन एलेक्स उसे कुछ भी नहीं बोलता। और जब ग्लेन वहाँ से जाने लगता है तो चेकरेट डॉल एलेक्स की आवाज में ग्लेन को धमकियां देने लगता है। एलेक्स देखकर पूरी तरह से हैरान होता है और वो निंजा डॉल को छुपा देता है। अब ग्लेन गुस्से में एलेक्स की तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन इससे पहले क्यों एलेक्स को मारता, वहाँ पर टीचर आ जाते हैं जो ग्लेन को ऐसा करने से रोक लेते हैं और इस प्रकार एलेक्स मार खाने से बच जाता है। अब स्कूल की छुट्टी होने के बाद ग्लेन फिर से एलेक्स के पास आता है और उसे बुली करने लगता है, जिस बात पर गुस्सा होकर चेकरेट डॉल एक बार फिर से ग्लेन को भला बुरा कहने लगता है। ग्लेन ये सब सुनकर बहुत गुस्सा होता है और वो एलेक्स को मारने के लिए उसका पीछा करने लगता है, लेकिन एलेक्स किसी तरह चेकरेट डॉल को लेकर वहाँ से निकल जाता है। अब एलेक्स अपने कमरे में आ जाता है जहाँ पर वो चेकरेट निंजा डॉल को बोलते हुए देखकर पूरी तरह से हैरान होता है, क्योंकि उसने अपनी लाइफ में बोलने वाले निंजा डॉल को पहली बार देखा था। निंजा डॉल एलेक्स पर गुस्सा करने लगता है क्योंकि एलेक्स बहुत ही शर्मिले और कमजोर टाइप का लड़का होता है, लेकिन कुछ ही समय में निंजा डॉल और एलेक्स एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं। यहाँ पर निंजा डॉल एलेक्स को बताता है कि मैं तुम्हारी लाइफ की सारी प्रॉब्लम सोल्व कर सकता हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। निंजा डॉल एलेक्स को फ्लिप का क्रेडिट कार्ड देते हुए उसे उस क्रेडिट कार्ड को पढ़कर उसके ओनर का नाम बताने को कहता है, क्योंकि वो खुद उस कार्ड
कार्ड को नहीं पढ़ सकता। एलेक्स जब उस क्रेडिट कार्ड को पढ़ता है तो उसे पता चल जाता है कि क्रेडिट कार्ड किसी और का नहीं बल्कि शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन फिलिप का है। तभी एलेक्स को अपनी मॉम डैड की बातों से पता चलता है कि फिलिप कोई और नहीं बल्कि जेसिका के डैड है। इसके बाद निंजा डॉल एलेक्स को लेकर एक प्लेग्राउंड में आ जाता है जहां पर एलेक्स को कराटे सीखने के लिए कहता है, लेकिन एलेक्स ऐसा करने से साफ साफ मना कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि वो कभी भी कराटे नहीं सीख सकता। लेकिन निंजा डॉल एलेक्स को फाइटिंग सीखने के लिए मोटिवेट करता है। अगले दिन एलेक्स निंजा डॉल के साथ अपने स्कूल के आर्ट एंड क्राफ्ट की क्लास में जाता है जहां पर वो निंजा डॉल की मदद से क्राफ्ट से रिलेटेड बहुत सा सामान चुरा लेता है। लेकिन इससे पहले कि ये वापस आते निंजा डॉल को एक आइडिया आता है और वो एलेक्स की आवाज में पूरे क्लास में अनाउंस कर देता है कि वो जेसिका से बहुत प्यार करता है। निंजा डॉल के ऐसा करने से एलेक्स बहुत डर जाता है लेकिन निंजा डॉल उसे समझाता है कि तुम चिंता मत करो, मैं सब तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ। एलेक्स के अपने प्यार के इजहार करने से स्कूल के सभी बच्चे एलेक्स का मजाक उड़ा रहे होते हैं लेकिन एलेक्स उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और स्कूल के कैंटीन में आकर स्कूल के सभी बच्चों के सामने ग्लेन को पास वाली प्लेग्राउंड में फाइट के लिए चैलेंज करता है क्योंकि ग्लेन हर समय अपने से कमजोर बच्चों को बुली करता रहता है। दरअसल इस समय एलेक्स नहीं बल्कि निंजा डॉल बोल रहा होता है और एलेक्स तो सिर्फ लिपसिंग कर रहा था। एलेक्स की बात सुनकर ग्लेन उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। जेसिका एलेक्स के पास आती है जो एलेक्स की बहादुरी से बहुत खुश थी क्योंकि उसने सबके सामने अपने प्यार का इजहार किया था, इससे एलेक्स बहुत खुश होता है। अगले सीन में हम एलेक्स और निंजा डॉल को उसी पुराने से प्लेग्राउंड में देखते हैं जहां पर ये दोनों मिलकर प्लेग्राउंड को ग्लेन से फाइट करने के लिए अपने हिसाब से सेट कर देते हैं। और जब एलेक्स निंजा डॉल से उसके बारे में पूछता है तो निंजा डॉल एलेक्स को एक कहानी सुनाता है जिसमें वो बताता है कि जापान में इगा नाम की एक जगह पर निंजा कबीले के लोग खुशी से रहा करते थे लेकिन एक दिन समुराई कबीले ने उनके ऊपर हमला कर दिया जिससे एक एक करके सारे निंजा मारे जाने लगे। लेकिन ताइको नाकामुरा नाम का एक निंजा योद्धा अभी भी समुराई कबीले से लड़ रहा था लेकिन जब वो अपने कबीले के लोगों को नहीं बचा पाया तो उसने खुद को दोषी ठहराया और सुसाइड कर लिया। अब क्योंकि उसने सुसाइड किया इसीलिए लोगों का ऐसा मानना है कि ताइको नाकामुरा की आत्मा अभी भी भटक रही है। फिर दिखाया जाता है कि अगले दिन प्ले ग्राउंड में स्कूल के सभी बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं क्योंकि आज यहाँ पर ग्लेन और एलेक्स के बीच फाइट होने वाली थी। अब कुछ समय बाद एलेक्स और ग्लेन के बीच फाइट होना शुरू हो जाती है। एलेक्स ने पूरे प्ले ग्राउंड में ट्रैप लगा दिए थे इसीलिए निंजा डॉल की मदद से ग्लेन को ट्रैप में फंसाता जाता है और ये मुकाबला जीत लेता है। लेकिन अगले ही पल ग्लेन एक बार फिर से उठकर खड़ा हो जाता है और एलेक्स को नीचे गिराकर उसे मारना स्टार्ट कर देता है और एलेक्स कुछ भी नहीं कर पाता। एलेक्स को मार खाता देखकर निंजा डॉल उसे अपने द्वारा सिखाए गए मुंह का इस्तेमाल करने को कहता है। एलेक्स जब ऐसा करता है तो ग्लेन को बहुत बुरी तरीके से मारकर ये फाइट जीत लेता है। एलेक्स की बहादुरी देखकर जेसिका भी एलेक्स के पास आती है क्योंकि उससे इम्प्रेस हो गई थी इसीलिए एलेक्स को अपने घर का लोकेशन देकर उसे पार्टी में आने को कहती है। अब अगले दिन एलेक्स निंजा डॉल के साथ जेसिका के घर पर पहुंच जाता है। इस समय निंजा डॉल बहुत खुश होता है क्योंकि जेसिका के डैडी फिलिप होते हैं जिन्हें मारकर निंजा डॉल मासूम बच्चों पर किए गए अत्याचार का बदला लेगा। लेकिन यहाँ पर इन्हें पता चलता है कि जेसिका के डेड वो वाले फिलिप नहीं है जिसकी तलाश निंजा डॉल को होती है बल्कि वो सेम नाम वाले दूसरे इंसान थे। एलेक्स को जेसिका भी मिल जाती है जो एलेक्स के पार्टी में आने से बहुत खुश होती है। वो एलेक्स को वेट करने के लिए बोलकर वॉशरूम में चली जाती है ताकि वापस आने के बाद ये दोनों साथ में खूब मस्ती कर सके। लेकिन जेसिका के वॉशरूम में जाते ही एलेक्स के पास निंजा डॉल आ जाता है जो एलेक्स को असली फिलिप को खोजने में खुद की मदद करने को कहता है। लेकिन एलेक्स इस समय निंजा डॉल के साथ नहीं जाना चाहता क्योंकि वो जेसिका के साथ समय बिताना चाहता है। जिस बात पर गुस्सा होकर निंजा डॉल एलेक्स की आवाज निकाल कर जेसिका को वॉशरूम के बाहर से कहता है कि तुम मेरी स्टैंडर्ड की नहीं हो इसीलिए अब मैं तुमसे प्यार नहीं करता। जेसिका यह सब सुनकर बहुत दुखी होती है क्योंकि उसे लगता है कि यह सब एलेक्स ने बोला है इसीलिए वो एलेक्स को जलाने के लिए उसके एक फ्रेंड को किस करके उसके साथ पार्टी एंजॉय करने के लिए चली जाती है। एलेक्स ये सब देखकर बहुत दुखी होता है और उसे डर होता है कि निंजा
शार्डोल गुस्से में उसके लिए और कोई मुसीबत न खड़ा कर दे, इसीलिए एलेक्स निंजा डोल की मदद करने के लिए राजी हो जाता है। और अब ये दोनों असली फिलिप के घर की तरफ निकल जाते हैं। फिलिप के घर पहुंचने के बाद निंजा डोल अपने टैलेंट का इस्तेमाल करके दरवाजा खोल देता है और ये दोनों घर में एंटर हो जाते हैं। घर के अंदर आकर निंजा डोल बहुत खुश होता है और वो एक जोरदार आवाज लगाता है, जिसकी वजह से फिलिप का डॉग वहाँ पर आ जाता है। और अगले ही पल अपने डॉग का पीछा करते हुए फिलिप भी वहाँ पर आ जाता है। फिलिप को देखते ही निंजा डोल खुद को रोक नहीं पाता और वो अपनी तलवार से फिलिप पर हमला कर देता है, लेकिन फिलिप इस हमले से बच जाता है और वो कमरे का दरवाजा बंद करके वहाँ से भाग जाता है और पुलिस को बुला लेता है। लेकिन इससे पहले कि पुलिस वाले एलेक्स और निंजा डोल को पकड़ते, निंजा डोल एलेक्स को लेकर किसी तरह वहाँ से निकल जाता है। अब एलेक्स को पता चल जाता है कि इस निंजा डोल के अंदर ताइको नाकामुरा की आत्मा है जो फिलिप को मारना चाहता है, इसीलिए वो निंजा डोल की मदद करने से मना कर देता है। एलेक्स की बात सुनकर निंजा डोल गुस्से में आ जाता है और अपनी मदद न करने पर वो एलेक्स को मारने की धमकी देता है, लेकिन एलेक्स को मार नहीं पाता क्योंकि कहीं ना कहीं अब निंजा डोल एलेक्स को पसंद करने लगा था। इसीलिए एलेक्स के स्टेप ब्रदर को मारने के लिए उसके घर पर आ जाता है, लेकिन इससे पहले कि एलेक्स के स्टेप ब्रदर को मारता, एलेक्स निंजा डोल को ऐसा करने से रोकने लगता है। और इसी दौरान एलेक्स के मॉम डैड भी वहां पर आ जाते हैं, जिन्हें लगता है कि एलेक्स अपने स्टेप ब्रदर को मारना चाहता है। हालांकि एलेक्स उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि वो ये सब नहीं बल्कि वो निंजा डोल कर रही है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता। और एलेक्स के मॉम डैड एलेक्स को मेंटली डिसेबल समझकर उसे मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करवा देते हैं। इस समय एलेक्स बहुत परेशान होता है कि तभी वहां पर निंजा डोल आता है, जो एलेक्स से कहता है कि मैं अभी भी तुम्हारी लाइफ की सारी प्रॉब्लम सोल्व कर सकता हूँ, लेकिन इसके बदले तुम्हें फिलिप को मारने में मेरी मदद करनी होगी। निंजा डोल की बात सुनकर एलेक्स उसे समझाता है कि हम फिलिप को मारने के बजाय उसे ऐसी सजा भी दे सकते हैं जिससे फिलिप को अपनी गलती का एहसास हो और वो धीरे धीरे अपने गुनाहों की सजा भुगते। एलेक्स की बात सुनकर निंजा डोल ऐसा करने के लिए राजी हो जाता है। इसके बाद वो मेंटल हॉस्पिटल के डॉक्टर को मारने की धमकी देकर एलेक्स के साथ वहाँ से निकल जाता है। और ये दोनों एलेक्स के सेलर अंकल के पास पहुँच जाते हैं। अपने अंकल के पास पहुँचने के बाद एलेक्स अपने ड्रग्स डीलर के बारे में पूछता है, जिस पर एलेक्स के अंकल एलेक्स को एक ड्रग डीलर के बारे में बता देते हैं। और अगले दिन एलेक्स निंजा डोल के साथ उस ड्रग डीलर के पास पहुँच जाता है और उससे 1 किलो ड्रग की मांग करता है। एलेक्स की बात सुनकर वो ड्रग डीलर एलेक्स को 1 किलो ड्रग दे देता है, लेकिन जब वो एलेक्स से उस ड्रग का पैसा मांगता है तो निंजा डोल उसके हाथ पर बांधकर उसे कार में कैद करके एलेक्स के साथ वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद निंजा डोल ड्रग को खुद के अंदर छुपा लेता है। और अब क्योंकि एलेक्स और निंजा डोल मिलकर फिलिप को ड्रग के केस में फंसाना चाहते हैं, इसीलिए फिलिप का पीछा करते हुए एयरपोर्ट तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि फिलिप बिजनेस के सिलसिले में कहीं जा रहा होता है। लेकिन एलेक्स और निंजा डोल को यहाँ आने में देरी हो जाती है क्योंकि फिलिप सिक्योरिटी चेकिंग को क्रॉस करके आगे निकल जाता है। एलेक्स और निंजा डोल ये सब देखकर बहुत दुखी होते हैं, लेकिन निंजा डोल किसी भी तरह फिलिप को उसकी गलतियों की सजा देना चाहता है, इसीलिए वो छिपकर एक आदमी के बैग में छिप जाता है जो फिलिप के साथ ही सफर करने वाला होता है। निंजा डोल को ऐसे अकेला जाता देखकर एलेक्स बहुत उदास होता है, क्योंकि उसे कुछ भी नहीं पता होता कि अगली बार निंजा डोल से मुलाकात होगी या नहीं। अगले सीन में हम निंजा डोल को देखते हैं जो उस आदमी के साथ ही दूसरी एयरपोर्ट तक पहुंच जाता है, जहां पर वो देखता है कि अब फिलिप एयरपोर्ट से बाहर खड़ी अपनी कार की तरफ बढ़ रहा होता है। निंजा डोल ये सब देखकर एक प्लान बनाता है। सबसे पहले वो एक डॉग को अपनी पावर की मदद से उसे हिप्नोटाइज कर लेता है, जिसकी वजह से वो डॉग निंजा डोल का पीछा करने लगता है। और निंजा डोल उस डॉग को अपना पीछा करवाते हुए फिलिप की तरफ भागना स्टार्ट कर देता है। और इससे पहले कि फिलिप अपनी कार में बैठता, निंजा डोल उसके ऊपर जंप लगा देता है, जिसकी वजह से निंजा डोल के पीछे डॉग भी फिलिप पर जंप लगाकर उसे पकड़ लेता है और दो हिस्सों में काट देता है। निंजा डोल के बीच में से अलग होने की वजह से उसके अंदर छिपा ड्रग बाहर निकल आता है। और अब यहाँ पर पुलिस भी आ जाती है, जो ड्रग देखती है तो उसे लगता है कि जरूरी ड्रग फिलिप अपने साथ ले जा रहा था, जिसकी वजह से ड्रग की स्मेल मिलने से डॉग ने फिलिप का पीछा करके उसके ऊपर हमला किया। हालांकि फिलिप पुलिस वालों को समझाने की कोशिश करता है कि
ड्रग उसका नहीं है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता और उसे ड्रग स्मगलिंग के केस में गिरफ्तार कर लिया जाता है और इस प्रकार बच्चों को जस्टिस मिलता है और फिलिप को उसके गुनाहों की सजा। एलेक्स न्यूज पर यह सब खबर देखकर बहुत खुश होता है। अब अगले दिन जब एलेक्स स्कूल जाता है तो यहाँ पर जेसिका एलेक्स से मिलने आती है, जो एलेक्स को बताती है कि मैं तुम्हारे माफी मांगने वाले टेप रिकॉर्डर को सुनकर बहुत खुश हूँ और अब मैं नहीं चाहती कि हम दोनों के बीच में और कोई गलतफहमी रहे। एलेक्स जेसिका की बात सुनकर पूरी तरह से शॉक्ड होता है, क्योंकि उसने जेसिका को कभी भी सॉरी बोलने का मैसेज नहीं भेजा था। लेकिन तभी उसे याद आता है कि जरूर ये सब निंजा डॉल ने किया होगा और जब वो बाहर आसमान में देखता है तो उसे वहाँ पर निंजा डॉल की परछाई दिखाई देती है, जिसे देख कर एलेक्स बहुत खुश होता है और यही पर इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। और गाइस, अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप एंड स्क्रीन पर क्लिक करके इस वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।